जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जो इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाता है। और आज है हम दोस्तों गुरुवार यानी कि थर्सडे का दिन, तो हम आपके लिए यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कार से रिलेटेड है और एक महंगी कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार पर ये हमारी छोटी सी स्टोरी है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1930 यानी 1930 में, जैसे आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं हॉर्च 853। ये कार जो आप देख रहे हैं 1930 की एक लगभग की है, और ये इसको जो आप डिजाइन देख रहे हैं, और इससे प्रभावित होकर के ऑडी कार जो है, ऑडी का नाम आज कोई नहीं था, ऑडी स्काईफ्लाई, जिसका नाम से ही आपको पता चलता है बहुत ही ज़बरदस्त कार है ये। और दूसरी अच्छी बात ये है, फुली ऑटोमेटेड कार है। जब ये 1930 में जैसे आप जो देख रहे हैं कार हॉच 853, इसे देख करके इसे बहुत कुछ उस पर डिज़ाइन और साथ में बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में ऑडी कार ने इसको इतना फुली ऑटोमेटेड बनाया। अब फ्यूचर में आकर के मतलब ऑडी कार ने अपना खुद का जो किया, और ऑडी कार लेकर के आई आपके लिए शानदार, जो 21 में जिसके काफी टाइम से काम चल रहा था, और 2021 में इसको लेकर के आए। और ये इतनी ऑटोमेटेड कार है, ऐसे तो ऑटोमेटेड कारों का अभी बिल्कुल जत्था लगा हुआ है, लेकिन ऑटोमेटेड कार ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि पुराने लुक को लेकर के और नए तरीके से लेकर के आई है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो कार है फुली ऑटोमेटेड है, डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसमें ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ये ड्राइवरलेस कार तो है ही है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि 150 सेंटीमीटर 250 के आसपास ये जो है बड़ी भी हो जाती है, मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं। और बहुत ही इसके जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक एक चीज़ जैसे यहाँ पे टच पे काम करती है, टोटली टच पे ये काम करती है, और बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है। मतलब कुल मिला के अभी जितनी भी कारें आ रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कारों में से ऑडी ने लेकर के आई है। अभी बहुत सारी कंपनियाँ जो मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे काम कर रही हैं, लेकिन ये वाली बहुत ही अच्छी, और इसका लुक जबरदस्त है और कमाल की है। और ये दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरी इसीलिए है कि देखिए, आप जब भी आप कोई पुरानी होती है, कोई भी पुरानी डिजाइन होती है, और हमें लगता है कि यार वो तो इतिहास बन गया, या फिर ये जो है आप हमारे काम का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया में किसी भी इंसान से सीख सकते हैं, जैसे कि ऑडी का ये वाला जो कार का डिजाइन है, ऑडी स्पाइक, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक वीडियो भी आपको डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिए कभी भी। और बहुत ही है, बहुत इंटरेस्टिंग कार है। और आपको यहां भी ये भी बता दूं कि देखिए, सब वो बोलते हैं ना कि आपके जेब में अगर मनी है, पैसा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्टडी किया, देखा, तो मैंने पाया कि ये कार की प्राइस क्या है, जो आप लोग भी जानना चाहते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो आपने भी बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स देख रखे होंगे डेफिनेटली। इसकी मैं प्राइस बता देता हूं, लगभग जो इंडियन रुपीज की अगर हम बात करें तो 1.04 करोड़ रुपीज। जी हां दोस्तों, 1.04 करोड़ रुपीज है। लेकिन जिस हिसाब से लग्जरी कार है ना, और जो इसमें ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, दिस इज़ अमेजिंग, मतलब आपको मज़ा ला देगी ये जो ऑडी है। और दूसरी अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये सब चीज़ें जो है इतिहास से ही सीखी जाती हैं। आप ये सोचेंगे कि आप बहुत स्मार्ट हैं या फिर आपको सब जानकारी है, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपने जो भी हो, आपके साथ में जो भी बंदा हो, आप किसी से भी कुछ भी हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी सीखने की चाह आपको बहुत आगे तक ले जाती है, जैसे कि इस कार में आप देख सकते हैं एक 1930 की कार का मॉडल को किस तरह से और अच्छे तरीके से लाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, और इतनी हॉच 853 जैसी कार को किस तरह से और अच्छे तरीके से सही डिजाइन करके कैसे पेश किया जाए, ये कोई ऑडी से सीखे और ये ही किया। और आज की डेट में ये अगस्त 2021 में जो है पब्लिकली जो आ गई, मतलब इसको लॉन्चिंग किया गया, जस्ट इंडिया में भी आप जो है इसको फ्यूचर में ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी बात है, और सीखिए, हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी का युग है, समय के साथ साथ बदलते जाता है, और बदलने के साथ साथ आपको बदलना भी ज़रूरी है। तो समय के साथ चलिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए, और हमेशा जो है इतिहास से कुछ अच्छा सीखिए।